जो चुप के से भर दे दिल को बहके बहके जज्बातों से क्यों बेचैन सी रूह को आता है करार जब यूं बूंदों की हो आसमां से पुहार करोड़ के हीरे गुम हुए इतना पैसा कलेक्ट करने को टाइम लगेगा ये अमाउंट पे लोन भी नहीं मिलने वाला है और जब लोगों से बात करेंगे तब वो रिप्लाई करेंगे आई डोंट नो व्हेन दे'ल रिप्लाई अनुज एक काम करना तू उनसे थोड़ा टाइम मांग ले ऐसा है ना कुछ होने में एक सेकंड लगता है और जोड़ने में अब एक ही रास्ता है माँ की दी हुई दुकान बेचनी पड़ेगी नहीं 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 सोच भी मत ये बारे में वैसे ही मार्केट बहुत लो है और रिसेशन का टाइम चालू है कोई खरीदेगा भी नहीं और समझो किसने खरीदा भी ना वो आधे कीमत पे ही खरीदेगा उसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी अनुज कैसे होगा यार सौरभ क्या करे सोचते कुछ ना कुछ हो जाएगा तो टेंशन मत ले ठीक है सौरभ बाद में बात करते हैं हाँ बस दो महीने के लिए अच्छा लेकिन कल तक जरूर बताते ना शुक्रिया शुक्रिया अरे माँ तुम अचानक आओ आओ अंदर आओ सब ठीक तो है ना केवो छे तू खुद की हालत खराब है और मेरी चिंता करता है सौरभ से मुझे सब पता चल गया तो खुद क्यों नहीं बताता मैं तेरी अपनी नहीं हूँ क्या अनुज अरे माँ तुम मेरी अपनी हो इसलिए तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रहा था और तुम चिंता मत करो धंधे में ये सब चलते रहता है कुछ ना कुछ हो जाएगा कुछ ना कुछ हो जाएगा मतलब मामला तेरे हाथ के बाहर है गौरवी क्या छे वो अपने माँ के घर गई है डॉक्टर ने कहा है कि इस हाल में परेशान नहीं होना चाहिए ये सब भी अभी होना था तू उसे टेंशन नहीं देना चाहता है तो असमी से कुछ पैसे क्यों नहीं ले लेता चलो ना मैं आपको डिजाइन दिखाती हूँ अश्मी अश्मी ये देखो ये तो कितना मस्त है ना कितना अमेजिंग लगेगा ये या तो लेकिन आपको पता है मेरा ना एक ही ड्रीम मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए हुए लहंगे में ब्राइड बन के मंडप पे पहुंचने का और रोहित तो खुशी हो जाएगा वैसे आई थिंक 2-3 लाख में तो आ ही जाएगा मैं जानती हूँ कि तूने कुछ पैसे अश्मी के नाम कर रखे हैं जिसका मतलब है कि वो पैसे अब उसके हैं मार्ग तोहफा दिया था मैंने उसे अब जरूरत पड़ने पर दिया हुआ तोहफा वापस तो नहीं मांग सकते बेटा आज तेरा अभी का टाइम मुश्किल में है तो अपनों से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है तूने हमेशा सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा है लेकिन अब गौरवी और अपने बच्चे के बारे में सोचना होगा ना हाँ मालकिन लेकिन मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा भरोसा रखो लेकिन अश्मी को दिए हुए तोहफे को वापस देने के बाद जाने दो एक और रास्ता है अरे ताई आप कुछ कह रहे थे कुछ नहीं है अरे ताई बोलो ना अपनी थॉट्स पे ऐसे ब्रेक मत लगाओ क्या हुआ मॉम जल्दी बता आई एम गेटिंग लेट फॉर माय पिलाटेस क्लास हेलो आंटी हे व्हाट्स अप क्या हुआ मैं ऐसे फैमिली के बीच बात करना चाहती हूँ मॉम फाकनी इज लाइक फैमिली इसने एक्चुअली मेरी बहुत मदद की है सो आई थिंक शुड बी फाइन अभी मुझे कोई बात नहीं करनी फाल्गुनी आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू कैन यू दिस इज वेरी इंसल्टिंग मॉम ऋषि इट्स फाइन लेट्स गो सीरियसली आंटी इट्स ओके आई विल वेट फॉर यू ओके माँ ने कहा है कि वो ऋषि और श्रेया से बात करेगी पेपर्स पे साइन करने के लिए कौन से पेपर्स अरे वो जो रक्षाबंधन के दिन मैं देके आया था ना गौरवी अगर ये काम हो गया ना
तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। डायमंड्स के पैसे भर दूंगा, तुम चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ तुम दोनों इन प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन कर दो, कुछ जरूरत आ गई है। मॉम मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं पढ़ लूंगा एंड आई विल साइन देम लेटर। ओके पहले साइन कर दो, बाद में कॉल कर लेना। मोटा भाई ने मुझे समझाया है बिना पढ़े डू नॉट साइन एनी पेपर्स, आई विल लुक एट देम और मैं साइन कर लूंगा। ओके तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, अनुज को ये पैसे नहीं मिले तो उसे जेल हो सकती है। कल रात को एक बहुत बड़ी डिलीवरी करनी थी उसे, लेकिन रास्ते में उसके हीरे खो गए, वो बहुत परेशान है। क्या तुम दोनों अपने भाई की इतनी भी मदद नहीं करोगे? ऑफ कोर्स करेंगे मॉम, जरूर कर देंगे, क्या इट्स मोटा भाई। भाई आप भी साइन कर दो क्या? इम्पॉसिबल, बिना पढ़े मैं साइन नहीं करने वाला। आपको पता है लास्ट टाइम क्या हुआ था, जिसने साइन किया था वो जेल में पहुंच गया। ओके मॉम रख दो, आई विल रीड इट। ओके एंड आई विल साइन इट लेटर, आई गॉट टू गो। सॉरी मॉम, भाई थोड़े वियर्ड है ना इस मामले में, हम शॉप पर के कर देंगे, डोंट वरी। हाँ लालवन सर, नहीं नहीं वो रात को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मैं आ नहीं पाया था। गौरवी अनुज का फोन बहुत बिजी आ रहा है। जी वो अभी उसी कस्टमर से बात कर रहे हैं। श्रेया ने तो पेपर्स पे साइन कर दिए, लेकिन ऋषि पेपर पढ़ने के बाद ही साइन करेगा। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, कुछ दिनों में आपके हीरे आपके पास पहुंच जाएंगे। आज कैसे मैं, आप समझिए ना। What do you say? Let's go out for dinner tonight. Mom, ka damage tum repair kar rahe ho? Nope. Vaise, kya family discussion chal raha tha wahan pe? Where I was not allowed and your mom literally kicked me out. If I may know. It's actually good news. Anuj ne apne sabse bade client ki consignment ko usne kho diya hai. And he's in some deep shit right now. Which actually I think is a reason to set it, isn't it? Excuse me, sir. हाँ जी। गर्वी में माई है। बिठाओ। ऋषि, listen na, I can't wait to see her puppy face. Yeah, she must be so restless. Even I can't wait to see. अब देखता हूँ इस proud गर्वी को मैं कितना push कर सकता हूँ। It's going to be entertaining. गर्वी, what a pleasant surprise. तुम कब आए? वो बस अभी थोड़ी देर पहले आई है। I'm sorry, वो extremely busy on a conference call with my foreign clients, you know. So, how can I help you? ऋषि, माँ ने बताया होगा कि अनुज को पैसों की सख्त जरूरत है। हाँ, माँ ने कुछ बताया, but before that, I'm gonna have a quick drink. Yeah, come, don't be shy, come. What will you drink? पानी पियोगी? Soda? We have lassi? नहीं lassi. You want lassi? ऋषि वो अनुज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, उनसे कंसाइनमेंट मिसप्लेस हो गया और क्लाइंट सर पे है। Are you sure? मेरे भाई से अनुज मेहता लॉस्ट अ कंसाइनमेंट? अरे मेरा भाई तो भगवान है, इज अ गॉड। वो ऋषि जो माँ ने प्रॉपर्टी के पेपर्स दिए हैं तुम उन पे साइन कर दोगे ना? ऋषि होल्ड दैट थॉट। गौरवी व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम यहाँ पे पैसे मांगने आई हो या तुम मिडिल क्लास लोग जैसे किसके घर पे जाके चीनी मांगने आते ना, वो ये नहीं है। योर हेयर टू गेट्स अ ह्यूज अमाउंट, तो तुम मतलब यू हैव टू प्लीड अस राइट? और तुम ना वो गोल्डन बर्थ मिस कर रही हो, व्हाट इज दैट? प्लीज से इट, इट्स अ फैमिली मैटर फाल्गुनी, कुड यू प्लीज एक्सक्यूज अस? एक्सक्यूज मी? कौन सी फैमिली, कैसी फैमिली? तुमने मेरे भाई के साथ शादी की है, आई डिड नॉट अडॉप्ट यू, तो हम फैमिली नहीं है। इट्स फनी, हमने एक दूसरे के साथ कभी बात नहीं की है और सडनली ऋषि इज फैमिली। ठीक है, माना कि मैं फैमिली नहीं हूँ, लेकिन अनुज के लिए मतलब
मतलब उन्होंने कितना कुछ किया है तुम सब के लिए. I mean, उनके बारे में एक बार सोच लो. गौरवी, ये लॉटरी वाली शादी के पहले ना तुम एक सेल्स गर्ल थी. इज दिस योर बेस्ट सेल्स पिच? आई डोंट थिंक सो. नो, बिकॉज दिस इज व्हाट्स द वर्ड, वेरी एवरेज. I want to see your desperation. I want to see how much you love Anuj. I want to see what you will do. Kitna tum karogi uske liye? Kitna? Mera benefit kya hai isme? Mere experience mein, middle class girls, they're very, very desperate. And they'll try very hard. But I want to see that in you. Agar is deal mein mera fayda nahi hai na, I'm not interested. Make me interested. Is deal mein mera kya hai? What will you do to make me happy? What do you mean? Nahi, jo tum soch rahi ho main nahi keh raha. Lekin duniya Gauravi aise hi chalti hai. Rishi, oh wait. Gauravi, chalo. Have water. That's fun. हेलो अनुज. अम्मा. बेटा, गौरवी यहाँ आई थी लेकिन पता नहीं ऋषि ने उसे क्या कहा, रोती हुई यहाँ से गई है. I want to see your desperation. I want to see how much you love Anuj. I want to see what you will do. Middle class girls, very, very desperate. What will you do to make me happy? क्या परेशानी है तुम्हारी? ऐसा क्या कह दिया तुमने गौरवी को जो वो रोते हुए गई? जरूर तुमने उसकी इंसल्ट की होगी. Wow, mom, wow. आपका बेटा मैं हूँ. You're in my house. और आप उस लड़की के बारे में टेंशन ले रहे हैं? This is rubbish, mom. वो क्या लाइन था? A mother never distinguishes between her kids. तुम शायद भूल रहे हो, गौरवी तुम्हारे भाई की पत्नी है, जो माँ बनने वाली है. मोटा भाई ने गौरवी के लिए सबके सामने मेरी बेइज्जती की और उस वक्त आप चुप थी, लेकिन अब गौरवी फोन उठाओ. हाँ अश्विन, अश्विन गौरवी कहाँ आई है क्या? हाँ जी, जो आई थी बट वो ना कब का चली गई. और आंटी का भी कॉल आया था, वो मुझे आपके कंसाइनमेंट के बारे में बता रहे थे. जी जो आपने या तई ने मुझे क्यों कुछ नहीं बताया? आपको तो पता है ना वो पैसे आपके ही हैं. आप प्लीज बिना कुछ सोचे समझे उसे यूज कीजिए. नहीं अश्विन, वो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे और अब मैं चाहती हूँ कि आप उसे यूज करिए. रोहित और मैंने घर पे बात कर ली, हम शादी पोस्टपोन कर रहे हैं. जीजू, अगर आप मुझे अपना मानते हैं ना तो आप मना नहीं करेंगे. शुक्रिया अश्विन. अच्छा मैं गौरवी को फोन करता हूँ, वो बहुत परेशान थी. हेलो मालकिन, गौरवी का कुछ फोन आया, बताए उसे कहा है? नहीं बेटा, लेकिन तुम घर जाओ, वो वहीं होगी. हाँ.
गौरवी 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 I'm so sorry. Hamara bachcha nahi raha hai. हमारा बच्चा नहीं रहा। हमारा बच्चा मर गया। मैं पैसे नहीं ला पाया। हमारा बच्चा मर गया। हम पैसे के आगे हार गए परवी। हम पैसे के आगे हार गए। अब कुछ नहीं बचा पर हमारा बच्चा मर गया। मेरी वजह से हमारा बच्चा मर गया। ऐसे नहीं होते तो ऐसा ही होता है। भाई बहन सबके होने के बावजूद किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो अनुज? मत करो ना। कर दिया मैंने गौरवी, मार दिया मैंने अपने बच्चे को। अनुज रो मत। क्योंकि यार मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मुझे से मत बोलो ना, तुम ठीक नहीं हो। तुम ठीक हो? नहीं ना, मैं अभी ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अनुज मेहता का वादा है, कुछ भी हो जाए पैसों की तंगी कभी नहीं होगी, कभी नहीं। अनुज हमारा बच्चा नहीं रहा, बाकी कुछ मैटर नहीं करता है। मैटर करता है, मैटर करता है, पैसे मैटर करते हैं, पैसे मैटर करते हैं, करते हैं मैटर, पैसे मैटर करते हैं, पैसे मैटर करते हैं। कभी कभी कुछ खत्म होने पे कहानी शुरू होती है और ऐसी क्राइसिस में इंसान बदल जाते हैं, कुछ बिटर हो जाते हैं, कुछ बेटर। इस हादसे ने गौरवी को बेटर बनाया और अनुज को बिटर। क्या दोनों के पास अलग होने के लिए जायज रीजंस थे? इस रिश्ते को खत्म करने के लिए पहला स्टेप किसने उठाया? कुछ मिलते मिलते बिखर गए, शायद सपना था, आंखें खुलते ही टूट गया।